मंडला आयुक्त जयंत मार्लिकर द्वारा मंगलवार को महराजगंज जनपद के दुर्गा मैरिज हॉल निचलौल में कोविड-19 JEE AES व पराली न जलाए संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारी व संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की गई। बैठक में मंडला आयुक्त द्वारा कोविड-19 के संबंध में कहा गया कि कोरोना की लड़ाई अभी लंबी है, ऐसा न समझे कि कोरोना समाप्त हो गया है। सर्दी के मौसम में व त्योहारों के लगातार आगमन से बाजार हाट में बिना दूरी व मास्क नहीं लगाना महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा सुझाए गए उपायों को अवश्य अपनाएं, दो गज की दूरी व मास्क है जरूरी को अपनाएं। उन्होंने कहा कि JEE AES का नियंत्रण में अच्छी प्रगति हुई है, इसे बरकरार रखने की आवश्यकता है। मंडलायुक्त ने कहा कि जनपद महाराजगंज धान की खेती में अग्रणी होने के साथ ही यहाँ उत्पाद अच्छा है। पराली किसान किसी भी हालत में ना जलाए, इसके लिए वीट पुलिस, चौकीदार, लेखपाल व सेक्रेटरी की टीम क्षेत्र में भ्रमण कर पराली जलाने वाले किसान को चिन्हित करे। मंडलायुक्त ने इसके पश्चात सिगरौली में कृषि यंत्रों का प्रदर्शन को देखा, तत्पश्चात ठूठीबारी बॉर्डर बाईपास का निरीक्षण किया। निरीक्षण में सड़क निर्माण शुरू नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कारण की जानकारी ली। इसी के साथ मंडलायुक्त सहित संबंधित अधिकारियों ने निचलौल सहित एक कन्या विद्यालय में पहुंचकर छात्राओं को कोविड के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी महाराजगंज डॉक्टर उज्जवल कुमार, CDO पवन अग्रवाल, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट शाही तेजा सीलम, SDM निचलौल, अपर SDM सहित जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। क्या है कि ये एग्जैक्टली क्या है, वो ऐसा करना जरूरत है? हाँ सर, ये लिखा भी है, हर जगह लिखा हुआ है। ये अभी किस किस क्लास के बच्चे हैं? 9वीं 10वीं के सर, 12वीं 11वीं 12वीं के भी आ गए। 12वीं के बच्चों से मिलवाइए। तीन सेशन और एक इंग्लिश। ये कब से क्लासेस आपकी शुरू हुई जी? आप सभी को पता है कोविड क्या है, क्योंकि आप सबसे सीनियर मोस्ट बच्चे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बता रहे कुछ कोविड के बारे में, कोरोना के बारे में बताओ। नहीं, सबको पता है कैसे फैलता है, क्यों है, क्या है, कितनी गंभीर। पीछे में बताइए, सबसे पीछे में बैठिए। क्या नाम है? क्या जो भी आपको पता है बताइए। इसमें डरने कैसे फैलता है वायरस? क्या बोलते हैं? और यदि जब बोलते हैं और उसी वक्त आप इसको नीचे कर लें तो इसका मतलब क्या हुआ? कि आपने अपनी सारी चीजें बाहर फेंक दी। सबसे पहली चीज जो मना करनी है वो ये मना करनी है कि बोलते वक्त बिल्कुल मास्क है। दूसरा, मास्क लगाना ही नहीं है, मास्क सही तरीके से लगाना। एक तो लोग मास्क बहुत लोग नहीं लगा रहे हैं, जो लगा रहे हैं वो उनका नाक के नीचे से रहता है, तो आज का कोई फायदा नहीं। यदि नाक आपकी खुल गई तो आप लगाए रहिए मास्क और आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा। तो एक तो ये चीज हो गई मास्क के संबंध में। दूसरी चीज ये है, मास्क आपको हरदम लगाना है, क्योंकि मास्क आप लगाए हुए हैं और वायरस आ रहा है तो वो कहाँ लगेगा? वो इस सरफेस पर चिपकेगा। अब वो इस सरफेस पर चिपकेगा और हम इसी को पकड़ लेंगे तो कहाँ आ जाएगा वायरस? आपके हाथ में आ जाएगा। हाथ से आपने इसको टच कर दिया, इसमें आ गया। जो आप जब हम बोलते हैं या सांस लेते हैं हमें दिखता नहीं है, लेकिन जब वो हवा निकलती है, एक्सहेल जिसे कहते हैं, उसमें छोटी छोटी बूंदे होती है पानी, वाटर ड्रॉप्स होते हैं, और उसमें ये वायरस होता है। ये वायरस कम टेम्परेचर में रहना इसको ज्यादा अच्छा है और उसमें म्यूटेट भी करता है, और इसलिए बहुत जरूरी है कि आगामी जो सीखा जा रहा है उसमें हम बहुत सचेत रहें। थैंक यू।